हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे डिवाइस के बारे में बात करेंगे जो आपके बहुत काम का है। दोस्तों, इस डिवाइस की मदद से आप अपने कहीं पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने जाते हो, वहाँ पर एलईडी नहीं होता, मॉनिटर नहीं होता, तो आप इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके फ़ोन को मॉनिटर में बदल देगा। जो आपकी एनवीआर की वीडियो है वो आपके फ़ोन में चलेगी, जो आप एलईडी में देखते थे। उसके अलावा दोस्तों, इस डिवाइस का नाम है एचडीएमआई वीडियो कैप्चर डिवाइस। दोस्तों, ये आपको लोकल मार्केट में 1500 के बीच में मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, इस डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए अपने फ़ोन में आपको एक ओटीजी की मदद लेनी होगी। ये आपको 50-60 रुपये में कहीं से भी मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पुराने फ़ोन है यूएसबी वाले, तो आपको इस तरह की ओटीजी लेनी होगी। दोस्तों, इसका नाम है एचडीएमआई वीडियो कैप्चर डिवाइस, जिसकी हमें ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन का नाम है यूएसबी कैमरा। देखिए दोस्तों, ये मेरा फ़ोन है और इस फ़ोन में मैं प्ले स्टोर में जा रहा हूँ। और यार देखिए, यूएसबी कैमरा, इस डिवाइस को, इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आपको इसे ओपन कर लेना है और जो ये अलाउ मांगेगा आपको उसे कर देना है, और आपको बैक आ जाना है, और जो आपकी ओटीजी है उसे अपने फ़ोन में लगा देना है। इस तरीके से जो आपका एचडीएमआई कैप्चर डिवाइस है उसे भी लगा देना है, और आखिर में दोस्तों, जो आपकी एचडीएमआई केबल है उसे भी लगा देना है आपको। और आपके फ़ोन में एक मैसेज आ जाएगा, आप देख सकते हैं। आपको इसे ओके क्लिक कर देना है। आपकी जो एनवीआर की वीडियो है आपके फ़ोन में चल जाएगी। आप उसे ऑपरेट भी कर सकते हैं जैसे आप अपने मॉनिटर में करते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपका एमआई का डिवाइस नहीं है, आपके सैमसंग का या ओप्पो का डिवाइस है, तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है ओटीजी कनेक्शन और उसे ऑन कर देना है। अगर आप उसे ऑन नहीं करेंगे तो जो ये डिवाइस है आपके फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो पाएगा और आपके फ़ोन में वो मैसेज नहीं आएगा जो इस फ़ोन में आया था।